नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की और प्रदूषण से होने वाली समस्याओं की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे आसपास का वातावरण बहुत कंटैमिनेटेड है, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और ऐसे में हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी नाक में ड्राइनेस रहने लगती है, जिसके कारण कुछ लोगों की नाक से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि खुजली हो रही है, बहुत इचिंग हो रही है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। ऐसे में आपको करना है ब्रेथ अवेयरनेस। सबसे पहला काम करेंगे ब्रेथ अवेयरनेस। जो रेगुलर बेसिस पर आप स्ट्रेचिंग्स या बेंडिंग्स कर रहे हैं वो तो करें ही करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप शीर्षासन का अभ्यास नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें हेड डाउन और लेग्स अप हों उनका अभ्यास आप नहीं करेंगे। कपालभाति का अभ्यास आप कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे अगर आपकी नाक में ड्राइनेस हो रही है। विरेचन का अभ्यास कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे। डीप ब्रीदिंग आप नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको आप फ्रेश एयर समझ रहे हैं वो एक्चुअली में फ्रेश है ही नहीं, वो तो कंटैमिनेटेड एयर है। तो आपको सिर्फ करनी है ब्रेथ अवेयरनेस। कैसे करनी है ब्रेथ अवेयरनेस, आइए जानते हैं। ब्रेथ अवेयरनेस के लिए हम बैठ करके भी कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। पर जब नाक में ईचिंग हो, ड्राइनेस हो रही हो या ब्लीडिंग हो रही हो, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप लेट करके इसका अभ्यास करें। कैसे करना है, आप अपने आसन में इस प्रकार से लेट जाएंगे, एक हाथ को पेट पर रख लेंगे, एक हाथ को चेस्ट पर रख लेंगे, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ना बहुत फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है, ना बहुत फोर्सफुल इनहेलेशन करना है, यानी कि बिल्कुल ऐसे लेटे हुए हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। बस हल्का सा एक्सपेंशन हम पेट का अनुभव करेंगे, पेट का कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद हाथों को नीचे ले आएंगे और सिर्फ नासिका के अग्र भाग पर, यानी नाक के बिल्कुल इस हिस्से पर, नासाग्र पर नॉर्मल ब्रीदिंग के इफेक्ट को अनुभव करेंगे। कम से कम 5 मिनट ऐसा करना और फिर रिलैक्स। कैसे उठेंगे, इस तरह से करवट लेंगे और फिर अपने आसन में बैठ जाएंगे, यानी सीधा नहीं उठेंगे, करवट लेकर के ही उठेंगे और अपने आसन में बैठेंगे। इस प्रकार से आपको ब्रेथ अवेयरनेस करना है। ये आप लेट करके भी कर सकते हैं और बैठ करके भी। और जब आप ब्रेथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन भी शांत हो जाएगा। और कभी कभी, क्योंकि पोल्यूशन तो है ही, साथ में जो इरिटेशन है, जो मेंटल स्ट्रेस है, उससे भी नाक में ईचिंग होना और नाक से ब्लीडिंग होना ऐसा हो जाता है। जाने से पहले ये ज़रूर जानते जाइए कि क्या क्या ऐसे नुस्खे हैं जो आप अपना सकते हैं। पहला काम, रात को सोने से पहले आप गाय का शुद्ध घी अपने पास रखिए। आप ड्रॉपर में डाल करके डाल सकते हैं या चम्मच से भी एक एक बूंद डाल सकते हैं। कमर के बल लेट जाइए, गर्दन को पीछे ऐसे लटका लीजिए और एक एक बूंद गाय का शुद्ध घी अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में डालिए। आप देखेंगे कि 2 दिन में ही आपको फ़ायदा लगना आरंभ हो जाएगा, ड्राइनेस कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर नाक में ड्राइनेस नहीं है तब भी ऐसा रोज़ करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारी ब्रेन की कैपेसिटीज़ बढ़ जाती हैं, हमारी आईसाइट बेटर होती है, हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, गले से संबंधित समस्याएँ दूर हो जाती हैं। यानी इतना सा उपाय और इतने सारे गुण, तो आप इसको अपना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि नाक में जब ड्राइनेस हो तो रेगुलर स्टीम ज़रूर लें। पानी को गर्म कर लीजिए और उसमें कुछ थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए, पानी को खौलने दीजिए और फिर बर्तन को गैस से हटा करके अपना फेस उस बर्तन में डालेंगे और सर से ढक देंगे। टॉवल ले लीजिए या कोई भी कपड़ा ले लीजिए और फिर उसे डीप स्मेल करना, एक्सहेल करना। हमने कहा कि रेगुलर बेसिस पर आप डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, लेकिन जब आप स्टीम लेंगे तब आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। भाप आपको नहीं लेनी है, जो हम तवे पर लॉन्ग रख के भाप लेते हैं वो आप नहीं लेंगे अगर नाक में ड्राइनेस है। हाँ, स्टीम आप रेगुलरली ले सकते हैं। पानी खूब पीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। सात्विक आहार लीजिए, बहुत भारी भोजन या बहुत जिसको हम कहते हैं कि तला हुआ भोजन, तामसिक भोजन आप इस अवधि में ना करें, ये बहुत बहुत आवश्यक है। अपना ध्यान रखें और हमारा कार्यक्रम देखते रहें।
Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.